अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 6 सॉइल। सॉइल आपको पता है कि सॉइल कहते हैं मिट्टी को, ठीक है। सॉइल जो कि आपके आसपास आपके एटमॉस्फेयर में या आपकी अर्थ के ऊपर मौजूद है, जो आपने आसपास देखी है, ठीक है। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड, यानी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हमारी ज़मीन पर हर जगह मौजूद है। इट इज़ द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी लिविंग थिंग्स यूज इट एज देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेस ऑफ शेल्टर। कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसने क्या किया हुआ है, उसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है, ठीक है। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसको सॉइल ने कवर किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, वो इस सॉइल से न्यूट्रंट्स लेते हैं। न्यूट्रंट्स जो होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की या लिविंग थिंग की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंस ये क्या है कि एनिमल जिसको अपने रहने के जगह के लिए यूज़ करते हैं, या लिविंग थिंग्स जिसको अपने रहने की जगह के लिए यूज़ करते हैं। ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल। इसके अलावा जो हम पौधे या जो प्लांट्स हम खाते पीते हैं, हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, वो प्लांट्स भी इसी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट। कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर जो है हमारे लिए एक एनर्जी पैदा करने का ज़रिया है। तो जो चीज़ हमें एनर्जी दे रही है, यानी जो प्लांट्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, वो खुद किस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं? वो ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं या सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फिर्मली एंड बाय प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सॉइल प्लांट्स के लिए क्या क्या किरदार अदा करती है? एक तो वो ये करती है कि वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उसे अपने अंदर पकड़ के रखती है, ठीक है। उसको जो आपको पता है ना कि जो प्लांट है वो बाहर से जो आपको नज़र आ रहा होता है, उसकी जो मेन रूट्स हैं, जो उसका लोअर पार्ट है, जो उसकी रूट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो उन रूट्स को जो ज़मीन है या मिट्टी है वो अपने पास होल्ड करके रखती है या पकड़ के रखती है। और दूसरा काम सॉइल क्या करती है, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। आपको पता है ना, प्लांट हमेशा ज़मीन पे ग्रो करता है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप प्लांट को कहीं फर्श पर रख दो तो वहाँ पर तो वो ग्रो नहीं करेगा ना। हमेशा आप प्लांट को ज़मीन के अंदर लगाते हो, मिट्टी के अंदर लगाते हो, ताकि वो ग्रो करे। तो और वो ग्रो कैसे करता है? वो मिट्टी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद सॉइल इज़ यूज्ड टू मेक यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स। और सॉइल के और भी बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं कि सॉइल जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाने में मदद करती है, कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं वो बनाने में सॉइल यूज़ होती है, ठीक है। व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ, अब हम देखते हैं कि सॉइल किस चीज़ से बनी है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ फोर थिंग्स। सॉइल चार चीज़ों से मिलकर बनी है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब वाटर और एयर का तो आपको अच्छी तरह से पता है, पानी जो आप डेली यूज़ करते हैं, एयर जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं। उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स। पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स जो होते हैं ये चट्टानें होती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब वो टूटती हैं हवा के प्रेशर से या पानी के प्रेशर की वजह से, जब वो टूटती हैं तो वो छोटे छोटे ज़र्रे होकर ज़मीन में या मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं वो जब गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, या एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज़ जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ कर ज़मीन का या मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। इट टेक ईयर्स फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म। कह रहे हैं कि अच्छी मिट्टी बनने के लिए या जरहेज़ मिट्टी बनने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई। कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से लिविंग थिंग्स, जिस तरह से एनिमल्स या प्लांट्स की एनिमल्स और प्लांट्स की बात हो रही है, कि जब जिस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स
जैसे जैसे मरते हैं, दे रोट एंड मिक्स विद दी टॉप साइल, और ये जब गल सड़ जाते हैं तो ये मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं या मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। दिस सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल, तो ऐसी मिट्टी जिसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होती हैं, जो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा जरहेज होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल हमें चाहिए होती है ताकि फसलें उगाई जा सके। जितनी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी, जितनी जरहेज मिट्टी होगी उसमें उतने ही ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने की सलाहियत होगी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, तो वो जो फर्टाइल मिट्टी होती है उसको ह्यूमस भी कहते हैं। प्लांट ग्रो वेल इन ह्यूमस, तो जो फर्टाइल मिट्टी है उसको ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस में प्लांट्स बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। उसके बाद है एनिमल्स लिव इन सॉइल। अब अगला मेन रोल सॉइल का क्या है कि एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल। स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, मिलीपाइड्स, बीटल्स, एंट्स एंड स्लग्स आल्सो लिव इन द सॉइल। दीज एनिमल्स हेल्प्स टू अरेट ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल वाइल देयर वेस्ट इन रिचेज दी सॉइल। क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं या बहुत छोटे स्मॉल साइज़ के एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, माउस हो गया, अर्थ वॉर्म्स, बीटल, आंट्स, ये सारी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर बहुत स्मॉल एनिमल्स हैं, ये ज़मीन के अंदर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, उस मिट्टी में ये अपना घर बनाते हैं और क्या करते हैं, और ये उसी मिट्टी के अंदर जो है ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। जब वो बाहर से, यानी वो चीज़ें, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये ज़मीन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से, हमारी एयर से ऑक्सीजन लेकर ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और जो इनका वेस्ट होता है वो भी मिट्टी को जरहेज बनाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद है लेयर्स ऑफ सॉइल, तो जो लेयर है, जो आपकी सॉइल है वो सिर्फ एक लेयर नहीं है, उसकी डिफरेंट लेयर्स है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएं तो उसकी डिफरेंट कलर्स या शेड्स आपको नज़र आएंगे जो उसकी डिफरेंट लेयर्स को शो करेंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स नियर देयर। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स यू कैन सी दैट द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन लेयर्स। कह रहे हैं कि कभी आप ऐसी जगह पर गए हों जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और वहाँ पर खुदाई की गई हो, तो आप देखेंगे कि ज़मीन के, अगर आप उस खुदाई वाले हिस्से में ज़मीन की दीवार को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डिफरेंट कलर के शेड्स आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि ज़मीन जो है ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी नहीं है। ठीक है, एट द टॉप सॉइल बिलो दिस इज़ अ लेयर और लेयर ऑफ सब सॉइल। कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी है उसके नीचे भी एक लेयर है, और हो सकता है उस लेयर के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स मौजूद हों। बिलो दिस आर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक। कह रहे हैं कि जो सबसे पहले टॉप सॉइल है, उसके बाद सब सॉइल है, और सब सॉइल के बाद जो लेयर है, यानी जो थर्ड लेयर है, वो रॉक्स की लेयर है। ठीक है, वहाँ पर रॉक्स मौजूद हैं। द डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड बेड रॉक, और जो रॉक के नीचे वाली लेयर है उसको बेड रॉक कहते हैं। ठीक है, द टॉप सॉइल इज़ वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस। कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली सॉइल की लेयर है या टॉप सॉइल है, वहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, और इसके अलावा जो ज़मीन के कीड़े होते हैं, मिट्टी के कीड़े होते हैं, वो भी वहीं मौजूद होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया भी वहीं मौजूद होते हैं, और उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मैंने आपको बताया था, ह्यूमस वो वाली लेयर है जहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ह्यूमस बहुत फर्टाइल कर देती है, ह्यूमस जो वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि प्लांट्स की ग्रो के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन, वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। कह रहे हैं कि ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पेबल्स, ग्रेवल एंड मड,
वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, कह रहे हैं कि जितनी भी रॉक्स हैं वो हवा के या पानी के प्रेशर की वजह से टूटती हैं और क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर या ज़रे बन जाते हैं। द सब सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड, इट कंटेन्स लेस ह्यूमस एंड मिनरल लाइक आयरन। कह रहे हैं जो सब सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल के नीचे यानी जो सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल है, वो जो है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लेकिन वो इतना उसमें ह्यूमस नहीं होता। यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, ह्यूमस वही है जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड लेयर में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन उसमें ह्यूमस नहीं होता, यानी उस लेयर पे ज़ाहिर है वो बहुत गहरी होती है और प्लांट्स के लिए इतनी गहरी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आपको जब वो ज़्यादा खुदाई करेंगे तो वहाँ पर मिनरल्स मौजूद होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ये आप कह सकते हो कि प्रीशियस स्टोन्स या आयरन को आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल, अगर बहुत गहरे अगर, क्योंकि जब पौधे लगाते हैं तब तो आप इतना उसकी खुदाई नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती जाती हैं तो वो सब सॉइल तक चली जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो पानी को इकट्ठा करती हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स रॉक्स ग्रेंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से आता है या वो दरिया जहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, वहाँ पर रॉक्स टूट कर जो है ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसेस बिकम स्मॉलर एंड टर्न इनटू सैंड मड एंड सॉइल, और जब वो ज़मीन का हिस्सा बनती हैं और वक्त के साथ साथ वो और टूटती जाती हैं तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं, यानी मिट्टी की तरह बारीक हो जाती हैं, ठीक है। द रिवर्स कैरी द सॉइल स्कॉल्ड सेडिमेंट्स विद देम, कह रहे हैं कि रिवर्स के अंदर यानी रिवर्स के नीचे गहराई में इस तरह की सॉइल मौजूद होती है जिसको सेडिमेंट भी कहते हैं। इट इज़ द डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक्स, ये कह रहे हैं कि ये जो रिवर्स हैं उनके अंदर नीचे ही ये मिट्टी या ये सेडिमेंट्स जो है बैठ जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट चेक है, फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। द सर्फेस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टॉप सॉइल, द लेयर अंडर द सर्फेस आर कॉल्ड सब सॉइल, अंडर द लेयर्स ऑफ सब सॉइल्स आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। विंड एंड वाटर ब्रेक डाउन रॉक्स इन टू पेबल्स सैंड ग्रेवल्स एंड मड, यानी जो पानी और हवा के प्रेशर से जब रॉक्स टूटती हैं तो वो किन चीज़ों में चेंज हो जाती हैं, वो है पेबल सैंड ग्रेवल एंड मड। स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई मूविंग थ्रू इट, दिस सरफेस इंट्रोड्यूस एयर इन टू दी सॉइल, जो स्मॉल एनिमल्स हैं मैंने आपको बताया भी था कि टॉप सॉइल पर स्मॉल एनिमल्स जो है मौजूद होते हैं और वो ऑक्सीजन सॉइल को पहुँचा रहे होते हैं। दे ऑल्सो लीव देयर वेस्ट इन दी सॉइल, दिस पुट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू दी सॉइल, और जो इनका वेस्ट होता है वो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स फराहम करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देख लेते हैं। स्क्वीज सम सॉइल बिटवीन योर फिंगर, इट क्रम्बली सॉफ्ट और स्टिकी, द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द साइड्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, कह रहे हैं कि आप मिट्टी को अपने हाथ में लें, आप देखें वो आपके हाथ के साथ चिपक जाती है या खुरदरी है या बहुत नरम है, तो ये टेक्सचर पे डिपेंड करता है। टेक्सचर जो किसी भी सॉइल का जो कलर है, टेक्सचर है या उसका आपको फील होता है कि वो किस तरह की है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, यानी उसका जो एक ज़रे का जो साइज़ है उस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सैंड के बारे में। सैंड इज़ यूजली लाइट इन कलर, सैंड का कलर जो हो लाइट होता है। पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर लार्ज इनफ दैट ईच कैन बी डिस्टिंक्टली सीन, और कह रहे हैं जो सैंड है उसका साइज़ ज़रा बड़ा होता है कि ईजीली आप उसको देख सकते हो, ठीक है। दे फील ग्रिटी एंड कोर्स, सैंडी नॉट सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर वैन वेट, कह रहे हैं कि जो सैंडी जो है एक तो ग्रिटी होती है, एक तो वो शाइनी होती है, और दूसरा ये है कि वो आपके हाथों के साथ स्टिक नहीं होती, ठीक है। बेशक वो अगर गीली भी हो तो वो स्टिक नहीं होती, चिपकती नहीं है। इट डज़ नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट प्लांट रूट्स कैन नॉट होल्ड टू दी सॉइल, कह रहे हैं कि इस तरह की जो जमीन मिट्टी है उसमें प्लांट्स नहीं उग सकते, ठीक है, और ना ही ये प्लांट को होल्ड कर सकती है और ना ही प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है।
उसके बाद है सिल्ट। सिल्ट लुक्स लाइक फाइन ग्रेन्स और टीनी पीसेज ऑफ रॉक्स। इट डज़ नॉट फील रफ और ग्रिटी बट हैज़ अ स्मूथ टेक्सचर। कह रहे हैं कि जो सिल्ट है वो बहुत ही बारीक होती है और ये जो है बिल्कुल भी रफ नहीं होती, और इसमें जो है इतनी इसकी शाइन भी नहीं होती, और लेकिन इसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ होता है। यानी आप इसको अगर अपने हाथ में लेते हैं तो ये आपको बहुत सॉफ्ट फील होगी। ड्यू टू दिस स्मॉलर पार्टिकल इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड। इसके इस स्मॉलर पार्टिकल्स की वजह से इसमें पानी ज़्यादा होता है सैंड के मुकाबले में। दिस विल कंटेन पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। इसका साइज़ जो है सैंड से तो कम होता है लेकिन क्ले पार्टिकल से ज़्यादा होता है। सिल्ट सॉइल स्टिक्स टुगेदर व्हेन वेट। कह रहे हैं कि सिल्ट जो मिट्टी होती है वो अगर गीली हो तो वो चिपक जाती है, आपस में चिपक जाती है। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग। कह रहे हैं कि जो सिल्ट सॉइल होती है यानी बहुत सॉफ्ट जो सॉइल होती है और उसका साइज़ सैंड से कम होता है, इस तरह की सॉइल जो है प्लांट ग्रो करने के लिए या फार्मिंग के लिए बहुत बेस्ट होती है। क्ले क्ले इज़ वेरी फाइन सॉइल व्हेन वेट। क्ले इज़ वेरी स्टिकी एंड लोम बी ईजिली मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स। कह रहे हैं कि क्ले बहुत अच्छी सॉइल है, बहुत फाइन सॉइल है, बहुत सॉफ्ट या बहुत बारीक जो सॉइल है, और इस इतनी स्टिकी होती है कि आप इससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो। दिस इज़ बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग। कह रहे हैं कि इस तरह की जो मिट्टी होती है अगर वो गीली हो जाती है और आप उसको किसी शेप में चेंज कर देते हो तो ड्राई होने के बाद वो उसी शेप में रहती है। ठीक है। द स्पेसेस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टिनी। प्लांट रूट्स कैन नॉट पुश थ्रू देम एंड एयर कैन गेट इन। और इसमें प्लांट्स नहीं लगाए जा सकते। क्यों नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल्स में बहुत कम गैप होता है कि अगर आप ऊपर से कुछ इसमें डालेंगे तो वो पास आउट नहीं हो सकता। यानी अगर पानी डाला जाए तो अगर इसने कोई शेप इख्तियार कर लिए तो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता या एयर नहीं जा सकती, इसी वजह से यहाँ पर प्लांट्स नहीं लग सकते। सिंस मोस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ दे कैन नॉट लिव इन क्ले। इसी तरह से जब इसमें से कुछ गुजर नहीं सकता तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस तरह बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स हैं तो वो ऑक्सीजन इनहेल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से हवा नहीं गुजर सकती। ठीक है। उसके बाद है ब्यूटीफुल रॉक। दीज रॉक्स हैव बीन हेयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कह रहे हैं जो चट्टाने हैं ये आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रही होंगी, कह रहे हैं कि ये बहुत साल मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये मौजूद हैं। ठीक है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इज मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। कह रहे हैं कि ये हमारी जो ज़मीन की खूबसूरती है उसमें इजाफा करती हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे आपका बुक वर्क है। बुक वर्क एक बार देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल फील्स स्टिकी व्हेन वेट क्ले। द टेक्सचर ऑफ अर्थ सॉइल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेन्स एंड फील्स रफ। सैंड वट इज सेंडिमेंट्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल दैट आर कैरिड अलॉन्ग एंड डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज सिल्ट। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड द टॉप सॉइल कंटेन सॉलिड रॉक्स फॉल्स। द सॉइल द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द बेड रॉक फॉल्स। द टेक्स्चर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी फॉल्स। सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉल्स। ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सॉइल फॉल्स। इसके बाद है आपकी ब्लैंक्स। द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स मोस्ट ह्यूमस इज नॉन एज टॉप सॉइल। द सॉइल विच इज़ कम्पोज ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल्स एंड फील स्मूथ इज कॉल्ड सिल्ट। द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज बिलो द टॉप सॉइल इज नॉन एज सब सॉइल। द सॉइल विच कंटेन्स द लार्जेस्ट पार्टिकल्स एंड फील्स रफ वैन रब्ड इज कॉल्ड सैंड। The soil which can be molded into different shapes and contain and can maintain these shapes after drying is known as clay. The soil which stick together through
थ्रू इट बट डज नॉट होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग इज नोन एज सेल्ड। सोइल सपोर्ट्स प्लांट बाय होल्डिंग देयर रूट्स फेमली। अच्छा, आपका बुक वर्क भी है और आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये काम आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।